नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द ऑटरिंग में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आदित्य चोपड़ा द्वारा लॉन्च किए गए साथी कार्ड के बारे में। यशराज फिल्म्स हिंदी फिल्म उद्योग के दैनिक वेतन भोगियों को सहायता प्रदान करने में सबसे आगे रहा है। आदित्य चोपड़ा ने अब यश चोपड़ा फाउंडेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित नीति अवधारणा सार्वभौमिक बुनियादी समर्थन की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा, स्कूल शुल्क भत्ता, राशन आपूर्ति, वार्षिक स्वास्थ्य जांच आदि प्रदान करने के लिए साथी कार्ड लॉन्च किया है। उद्योग के दैनिक वेतन भोगियों और उनके परिवारों को इनका लाभ मिलेगा। कार्ड धारक इसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल के लिए कर सकेंगे, जिसमें 2 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त वार्षिक चेकअप और दवा बिलों पर छूट के साथ साथ उपचार सेवाएं भी शामिल हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मुंबई में हिंदी फिल्म संघ का पंजीकृत सदस्य हो, जिसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक है, का कम से कम एक प्रत्यक्ष आश्रित साथी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है। कार्यकर्ता अपने बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए भी कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि YRF स्कूल फीस, स्टेशनरी और वर्दी के लिए भत्ता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा वे राशन की आपूर्ति खरीदने के लिए कार्ड का उपयोग भी कर सकते हैं। यशराज फिल्म ने लॉकडाउन के दौरान हिंदी फिल्म बिरादरी के कार्यकर्ताओं को टीका लगाने और वित्तीय सहायता देने की योजना भी शुरू की है। चोपड़ा के प्रोडक्शन बैनर यशराज फिल्म YRF के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अक्षय विदनानी ने कहा कि साथी कार्ड पहल उन लोगों की मदद करने का तरीका है जो फिल्म उद्योग की रीढ़ हैं। यशराज फिल्म्स में हम न केवल प्रतिक्रियात्मक रूप से दान करने के बारे में विश्वास करते हैं, बल्कि यह हमारे लाभार्थियों के जीवन में स्थायी प्रभाव पैदा करने के लिए एक अधिक राजनीतिक विचार प्रक्रिया और कार्य योजना है। आने वाले समय में हम अपने समुदाय के उन हिस्सों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस समर्थन के दायरे का विस्तार करेंगे, ऐसा विद्वानी ने कहा है। आदित्य चोपड़ा ने हिंदी फिल्म बिरादरी के हजारों श्रमिकों का टीकाकरण करने की योजना भी शुरू की है, जिससे मुंबई की शूटिंग फिर से शुरू करने में मदद मिले। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान आदित्य चोपड़ा ने भी फिल्म उद्योग के हजारों दैनिक वेतन भोगियों को सीधे उनके बैंक खातों में पैसा जमा करा के अपना समर्थन दिया। COVID-19 महामारी ने मनोरंजन उद्योग में महीनों के लिए प्रभावी रूप से काम बंद कर दिया गया। बस जब लोग काम पर वापस आ रहे थे, दूसरी लहर ने एक बार फिर चीजों को रोक दिया। ऐसी स्थिति में दैनिक वेतन भोगियों को सबसे अधिक नुकसान हुआ। व्यावहारिक रूप से अपना भरण पोषण उन्होंने खो दिया। हालांकि चोपड़ा ने नियमित रूप से विभिन्न तरीकों से श्रमिकों का समर्थन किया, जैसे टीकाकरण अभियान आयोजित कराना, आर्थिक सहायता प्रदान करना और राशन किट वितरित करना। मई में चोपड़ा ने उद्योगों में जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यश चोपड़ा साथी पहल की शुरुआत की थी। इसमें रुपए प्रदान करना शामिल था। फिल्म उद्योग में काम करने वाली महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को 5,000 रुपए के साथ साथ अपने NGO भागीदारों के माध्यम से एक महीने के लिए 4 लोगों के परिवार के लिए श्रमिकों को राशन किट वितरित करना भी शामिल था।